दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं ऑनलाइन जमाबंदी किस प्रकार से निकाली जाती है। पूरा हिंदी में प्रोसेस होगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के अंदर बने रहिए। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने में यहां पर आपको सर्च करना है अपना खाता। मैं दोस्तों अपना खाता यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सर्च करना है। आपको जैसे ही आप सर्च पर करोगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जो यूएस नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाली को क्लिक कर ले। दोस्तों नेक्स्ट पेज हमारा इस प्रकार से ओपन होगा, जैसे आप देख सकते हैं राजस्थान सरकार, राजस्व मंडल, अपना खाता, इस प्रकार से दोस्तों एक पेज ओपन हो जाता है। यह दोस्तों एक गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको जिस शहर का आपको यहाँ पर अपना जो जमाबंदी निकालना है वह आपको यहाँ पर डालना होगा। जैसे आप जयपुर ज़िले का निकालना है, झुंझुनू का, चूरू का, जैसलमेर का, जहाँ का भी आपको यहाँ पर सर्च करना है वो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जयपुर का आपको बताने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पर जयपुर सेलेक्ट कर लिया है। जयपुर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पेज हमारा ओपन होता है, मैंने यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर लिया है। नेक्स्ट पेज दोस्तों हमारा इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ पर जयपुर के अंदर आप कौन से शहर से हैं, चौमू, शाहपुरा, आमेर, तो मैं यहाँ पर आमेर पर क्लिक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको केवल बेसिक बताने वाला हूँ कि आमेर पर क्लिक करने वाला हूँ मैं, तो मैं यहाँ पर आमेर पर क्लिक कर लेता हूँ। आपको जिस शहर का आपको निकालना है, जिस गांव का, जिस कस्बे का, तो आपको उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट पेज ओपन होता है। नेक्स्ट पेज इस प्रकार से ओपन होता है, आपका गाँव शहर, यदि आपका आप शहर में रहते हो तो शहर का नाम आप सेलेक्ट कर ले, गाँव में रहते हैं तो गाँव का नाम आप यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। जैसा मैं यहाँ पर एक नाम कोई सा भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों वीडियो के अंत तक बनी रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जो यूजर्स नए हैं चैनल पर, पहली बार आए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटे वाले को भी क्लिक कर ले, जिससे कि नई नई वीडियो की जानकारी उनको लगातार मिलती रहे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा सर्च कर रहा है हमारा एरिया। उसके बाद दोस्तों एक नेक्स्ट पेज ओपन होता है जो इस प्रकार से होगा। दोस्तों जमाबंदी आप घर बैठे आप अपने मोबाइल से भी निकाल सकते हैं, सेम प्रोसेस है दोस्तों इस प्रकार से। तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा, नेक्स्ट पेज हमारा इस प्रकार से ओपन होगा। हमारा डिटेल अपना नाम यहाँ पर डालना है अपना, जैसे आप जिला यहाँ पर आप देख सकते हैं जयपुर, मैंने तहसील आमेर, और यहाँ पर मेरा जो गाँव का नाम था वह यहाँ पर शो हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको जिस किसी का भी यहाँ पर जमाबंदी निकालना है उसका यहाँ पर नाम डालना है, उसके बाद उसका आवेदक का शहर डालना है, उसके आवेदक का पता यहाँ पर डालना है, उसके बाद उनका पिन कोड यहाँ पर डालना है। उसके बाद दोस्तों आप खाता से यहाँ से आप निकाल सकते हैं, खसरा संख्या से आप निकाल सकते हैं, नाम से भी आप इसे निकाल सकते हैं जमाबंदी। तो मैं यहाँ पर खाता संख्या चुन लेता हूँ, कोई भी एक, ए टू जेड कोई सा भी एक, जिसे कि मैं आपको केवल बेसिक यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर खसरा संख्या पर क्लिक कर लिया है और ये हमारा सर्च कर रहा है, थोड़ा टाइम ले सकता है नेटवर्क की वजह से। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर इसने सर्च कर लिया और मैं यहाँ पर एक कसरा नंबर यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर कसरा नंबर एक टाइप कर दिया 354, मैंने यहाँ पर एक कसरा नंबर यहाँ पर सर्च कर दिया है। और मैं जैसे ही इस पर चैन पर करता हूँ, सर्च पर क्लिक करता हूँ, तो दोस्तों ये थोड़ा समय ले सकता है नेटवर्क की वजह से। तो ये हमारा जो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है, इसने यहाँ पर सर्च कर लिया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये संपूर्ण डिटेल हमारे सामने ओपन हो चुकी है। ये कसरा संख्या है, खाता संख्या है, रकबा है, जो भी है यहाँ पर शो हो चुका है, उसका नाम कि किसके नाम से ये भूमि है। दोस्तों मैंने यहाँ पर केवल ऐसे ही मैंने यहाँ पर डाला था, तो ये जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर NA के अधीन यह भूमि पाई गई है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ये नकल ले सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है नकल सूचार्थ, यदि आपको नकल चाहिए तो आप नकल ले सकते हैं, यदि आपको डिजिटल नकल चाहिए तो आप डिजिटल नकल भी आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको ये संपूर्ण डिटेल आपको फिल करनी होगी, जो ऊपर आवेदक का नाम, आवेदक का पता, आवेदक का पिन कोड, आवेदक का शेयर, आपको सभी डिटेल यहाँ फिल करनी होगी। दोस्तों डिटेल इस प्रकार से फिल करनी होगी, जैसे इसका नाम है जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से ये भूमि है, तो आपको यहाँ पर आवेदक का नाम में यही डालना होगा। उसके बाद दोस्तों आवेदक का शहर, जो यहाँ पर शहर लिखा हुआ आमेर आपको डालना होगा। आवेदक का पता यहाँ पर लिखा हुआ निंदड़ हरमाड़ा आपको यहाँ पर डालना होगा। पिन कोड जो भी पिन कोड है उस जगह का वह आपको डालना है। उसके बाद आप यह नकल पर क्लिक करोगे तो वह निकल आपको यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप आसानी से इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप आसानी से बिना किसी फीस के आप आसानी से फ्री में आप अपना जमाबंदी निकाल सकते हैं अपने मोबाइल से भी। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई वीडियो के